लकड़ी का फर्नीचर घर की सजावट का सबसे अहम हिस्सा है और ज्यादातर घरों में लकड़ी का फर्नीचर ही देखने को मिलता है। और धीरे धीरे लकड़ी का फर्नीचर अपनी चमक खोने लगता है। और अक्सर हम जब भी फर्नीचर की सफाई करते हैं तो हम या तो सूखे कपड़े से इसे पोंछ देते हैं या फिर हम गीले कपड़े से इसे पोंछते हैं और हम अपनी तरफ से साफ कर देते हैं और हमें लगता है कि हमने अच्छे से साफ कर लिया। लेकिन मैं आपको क्लोज करके दिखाती हूँ कि ये कितना साफ हुआ है। ये एक डिजाइनदार टेबल है, इसमें इस तरह से डिजाइन बना हुआ है और इसी डिजाइन में सारी डस्ट फंसती है और टेबल की शाइन भी खत्म हो गई है, ये डल हो गया है। तो इसी तरह से फर्नीचर अपनी चमक खोने लगता है। टेबल की साइड्स भी डिजाइनदार है, इनकी तरफ तो हमारा ध्यान ही नहीं जाता, इन्हें तो हम कभी साफ ही नहीं करते, हमेशा टेबल की टॉप को ही साफ करते हैं। अगर आपके घर में रखा लकड़ी का फर्नीचर भी अपनी चमक खो रहा है तो उन्हें फिर से नया लुक देने के लिए और उनकी खोई हुई चमक लौटाने के लिए आपको ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ एक चीज़ के इस्तेमाल से आप अपने लकड़ी के पुराने फर्नीचर को नया लुक दे सकते हैं, क्योंकि मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एक बहुत ही आसान तरीका। तो मैं इस पुरानी और डल हो चुकी साइड टेबल को नया जैसा बनाने वाली हूँ। तो ये साइड टेबल खुल जाती है तो मैंने इसे खोल लिया है, अलग अलग कर लिया है, इसका टॉप अलग निकाल लिया है। तो आप देख सकते हैं कि टेबल के टॉप के नीचे जाला लगा हुआ है और इसकी साइड्स के अंदर भी जाला लगा हुआ है, क्योंकि इन्हें तो साफ करने का कभी ख्याल ही नहीं आता। तो सबसे पहले हम टेबल के टॉप को सूखे कपड़े से पोंछ लेंगे ताकि अंदर जो भी जाला लगा है या डस्ट लगी है वो साफ हो जाए। कपड़े से पोंछने के बाद मैंने एक पुराना टूथब्रश लिया है और टेबल के टॉप के ऊपर जो भी डिज़ाइन बना है उसे इस ब्रश से सफाई कर रही हूँ। तो इस तरह से डिज़ाइन में फंसी हुई डस्ट आसानी से निकल जाती है। वैसे तो हमें रूटीन में भी कपड़े की बजाय डिज़ाइनदार फर्नीचर को ब्रश से ही साफ करना चाहिए। तो कुछ इसी तरह से टेबल के निचले हिस्से को भी अंदर से मैंने कपड़े से पोंछ लिया है। अंदर से तो कभी भी साफ करने का हमें ध्यान भी नहीं आता और बाहर से मैं जालीदार डिजाइन को भी ब्रश से ही साफ कर रही हूँ। तो अभी टेबल को मैंने कपड़े से भी साफ कर लिया है और टूथब्रश से भी इसकी सारी डस्ट निकाल दी है। तो आप देख सकते हैं कि एक ही साइड टेबल से कितनी डस्ट निकली है। तो अभी बढ़ते हैं हम अगले स्टेप की ओर। तो इस डस्ट को एक बार उठा देते हैं। और ये है वार्निश, तो ये आपको किसी भी पेंट वाली दुकान से मिल जाएगी, बहुत ही आसानी से मिल जाती है और बहुत ही कम रेट में होती है। और साथ में लेंगे एक पेंट का ब्रश, तो ये भी आपको पेंट वाली दुकान से ही मिल जाएगा। और अभी मैंने पानी गर्म किया है और पानी में ये वार्निश वाला डिब्बा रखेंगे। तो पानी गर्म पानी में रखने से वार्निश को अप्लाई करना आसान हो जाता है। वार्निश को थोड़ी देर के लिए गर्म पानी में रखेंगे। तो अभी हमें सिर्फ ब्रश को वार्निश में डिप करना है और अपने फर्नीचर के ऊपर इसे अप्लाई करना है। तो बीच में डिजाइन है तो डिजाइन में भी अच्छी तरह से हम वार्निश को लगा देंगे। अगर हम लकड़ी के फर्नीचर को 6 महीने बाद एक बार या साल में एक बार इस तरह से वार्निश कर लें तो फर्नीचर की लाइफ बढ़ जाती है। तो आप टेबल की चमक देख सकते हैं। तो ये सूखने के बाद भी इसी तरह से होगी, मैं आपको दिखाऊंगी। तो टेबल के टॉप को मैंने वार्निश कर लिया है, तो हमें सिर्फ ऊपर के हिस्से को ही वार्निश करना है। तो आप इसकी शाइन देख सकते हैं। तो अभी इसे सूखने के लिए एक साइड में रखते हैं और फिर टेबल के नीचे के हिस्से को भी वार्निश करेंगे। तो इसे भी हमें बाहर बाहर से ही वार्निश करना है, अंदर से वार्निश करने की ज़रूरत नहीं है।
तो वार्निश करने के बाद हम इन्हें चाहें तो धूप में भी सुखा सकते हैं या फिर आप घर के अंदर ही कमरे में भी रख के इसे छाया में सुखा सकते हैं। तो मैं इसे कमरे के अंदर ही रख कर सुखाने वाली हूँ। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल ना भूलें, और आप भी इस तरीके को अपने घर में ट्राई कर सकते हैं, अपने पुराने फर्नीचर को बिल्कुल नया जैसा बना सकते हैं। सिर्फ एक चीज़ यूज़ करने से ही आपका फर्नीचर नया जैसा बन जाएगा। तो अभी इसे इसी तरह से सूखने देंगे और फिर सूखने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ। तो अभी वार्निश सूख गई है, तो मैंने टेबल को दोबारा से जोड़ दिया है। वार्निश करने से पहले टेबल कुछ इस तरह की थी, और ये है टेबल को वार्निश करने के बाद का लुक। डिफरेंस आप खुद देख सकते हैं, वही टेबल जो डल हो चुकी थी अब कितनी सुंदर नई लग रही है, कितनी चमक आ गई है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलती हूँ एक और नए यूजफुल वीडियो के साथ।